पावर ऑफ लेंस पर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करेंगे, इसको रिवाइज करते हैं कि हम किस तरह इसकी जो इक्वेशन है वो यूज करते हैं। देखिए पावर ऑफ लेंस जब हम देखते हैं तो मैथमेटिकली हमारे पास इक्वल होता है पी इज इक्वल टू वन ओवर एफ, यानी जो फोकल लेंथ है उसका अगर हम रिसिप्रोकल ले लें तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंथ, यानी वन को फोकल लेंथ पे डिवाइड कर ले किसी भी लेंस का तो वो उसका पावर होगा। अब आप देखें अगर हम इसकी रिलेशन देखें, दोनों की रिलेशनशिप देखें, तो वो ये है कि अगर एफ को आप इंक्रीज करेंगे, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर आप एफ को इंक्रीज करेंगे यानी जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो उसका पावर कम होगा, और जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। सो दोनों जो है एक दूसरे के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्टेटमेंट को देखिए किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसमें दो ट्रिक्स हम यूज करेंगे। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5d, 5d यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन है, देखिए पावर जो है ऑफ अ लेंस वो हम डाइओप्टर्स में मेयर करते हैं, डाइओप्टर्स इसकी यूनिट जो है वो डाइओप्टर है, तो हम लिख लेंगे पी पावर ऑफ लेंस वो हमें गिवन है वो कितना है 5d, कैपिटल डी जो है इसके यूनिट का सिंबल है, और एक्चुअली डी हम यूज करते हैं किसके लिए, डाइओप्टर के लिए, डाइओप्टर ये इसकी जो यूनिट है पावर ऑफ लेंस की उसको हम डाइओप्टर कहते हैं, और सिंबल उसका है कैपिटल डी। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पर रखें, यानी हमने ऑब्जेक्ट जो स्मॉल पी है वो कैलकुलेट करना है, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख के फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड टू टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। टू टाइम्स लार्जर इमेज मीन इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो टू है, यानी अगर इमेज टू टाइम्स लार्जर बनेगी इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन क्या है, टू। मैग्निफिकेशन एक्चुअली आपको ये शो करता है कि इमेज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है या उनके डिस्टेंसेज उनमें दोनों में क्या रेशो क्या है उन दोनों की। सो एम हमें गिवन है ऑलरेडी वो टू है, हमने फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू फाइंड करेंगे, देखिए क्यू हमारे पास नहीं है, सो फर्स्ट हम क्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे जो फोकल लेंथ का हमारे पास फार्मूला है लेंस फार्मूला, उसको हम यूज करेंगे। कन्वेक्स लेंस चूंकि गिवन है तो आप कन्वेक्स लेंस जानते हैं, जब हम डबल कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो यू हम उसको ड्रॉ करते हैं, ये है डबल कन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, और इससे जो स्ट्रेट लाइन हम पास करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आप इसकी प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस का कंसीडर कर लें, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ओ और एफ के दरमियान उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और ये आ जाएगा स्मॉल एफ। सो अब हम इस कन्वेक्स लेंस का ये फार्मूला यूज करेंगे, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब हम पी हमें गिवन है, सॉरी पी हमने फाइंड करना है, क्यू हमने फाइंड करना है, और एफ भी हमें नहीं गिवन। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, इसमें अगर हमने क्यू फाइंड करना है तो पहले, सॉरी अगर हमने पी फाइंड करना है ये टर्म, तो हमारे पास क्यू भी नॉन होना चाहिए एफ भी नॉन होना चाहिए, दोनों हमारे पास होने चाहिए, लेकिन एक भी हमें नहीं गिवन। सो फर्स्ट हमने एफ फाइंड करना है, फिर क्यू फाइंड करना है, और उसके बाद हम ये फार्मूला यूज करके पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो एफ हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, देखिए पावर हमें गिवन है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, और अगर हमें पावर गिवन हो तो हम इजीली उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पी जो है पावर ऑफ लेंस वो इक्वल होता है वन ओवर फोकल लेंथ के, तो इसी तरह फोकल लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगा वन ओवर पावर के, वन ओवर पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, पावर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं। सो जस्ट आप फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए इसकी पावर की वैल्यू लिखें, पावर हमें गिवन है कितना है 5, पावर जो है वो 5 डायोप्टर है, तो यहाँ पर 5 यूज कर ले आप, और ये बात याद रखें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये फोकल लेंथ हम यहाँ पर मीटर्स में लेते हैं, फिर उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आप 1 को 5 पे डिवाइड कर लें, या अगर आप इस मीटर को सेंटीमीटर्स में पहले लिखें, लेकिन ये मीटर है फोकल लेंथ, या अगर हम पहले इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा एफ 1 को 5 पे डिवाइड कर लें, सो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 0.2 मीटर्स, ये इसकी
फोकल लेंथ आ जाएगी मीटर्स में, लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसीलिए इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसमें आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर्स, यानी इसका फोकल लेंथ क्या होगा इस लेंस का 20 सेंटीमीटर्स। यानी अगर हमें पावर गिवन हो तो हम फोकल लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फोकल लेंथ आ गया। अब हमें मैग्निफिकेशन भी देखिए गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है, एफ हमारे पास है, और अगर मैग्निफिकेशन यूज करके तो हम वहां से क्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो है वो टू के इक्वल है, तो इसीलिए इसकी जगह टू पुट कर लें, क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो क्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पी को बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर लें, पी यहाँ भी पी मल्टीप्लाई कर लें, ताकि यहाँ से पी हम कैंसिल कर सकें, ये दोनों पी और पी कैंसिल हो जाएंगे। सो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू मल्टीप्लाई बाई पी, ये आ जाएगी टू पी, ये क्यू की वैल्यू आ गई। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल कर ले तो वो क्यू के इक्वल है। देखिए क्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एफ की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम इस फॉर्मूले से पी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एफ और क्यू दोनों अब हमारे पास नॉन है। तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यूज कर ले इसी फॉर्मूले को, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। 1 ओवर f, f की वैल्यू हमें गिवन है 120, जो अभी हमने फाइंड की है, 1 ओवर 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर p हमने फाइंड करना है, और प्लस 1 ओवर q, q की वैल्यू क्या है अभी हमने फाइंड की, देखें ये वाली 2p, तो इसकी जगह 2p पुट कर लें। अब अगर आप देखें यहाँ पर 1 ओवर 20, 1 ओवर 20 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले ले, 2p और 1p का, इनका एलसीएम ले ले, सो ये आ जाएगा 2p, एलसीएम हो जाएगा। अब 2p LCM हो जाएगा, पहले इसको इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर ले LCM को, तो p और p कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 हमारे पास आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले इस फ्रैक्शन के साथ, तो 2p और 2p दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पर। सो अब अगर हम देखें, बहुत सिंपल हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गया, 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2p। अब हमने चूंकि p फाइंड करना है, सो इन दोनों फ्रैक्शंस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 2p के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 3 जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो देखिए क्या आता है, 2p और 1 मल्टीप्लाई कर ले सो वो 2p आ जाएगा, प्लस सॉरी इज इक्वल टू 20 और 3 मल्टीप्लाई कर ले सो आ जाएगा 60। अब देखिए आपने p फाइंड करना है, सो बोथ साइड्स 2p डिवाइड कर ले, यहाँ भी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, सो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि सेंटीमीटर्स में हमने f यूज किया है, तो इसीलिए p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेंटीमीटर्स में। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखें तो उसका जो इमेज है वो क्या बनेगा, वो उसके साइज के डबल बनेगा। और इससे पहले हमने देखा कि q की वैल्यू क्या है, वो 2p के इक्वल है, यानी p से उसका जो डिस्टेंस है वो डबल है, अगर p का हम ट्वाइस ले ले तब वो q के इक्वल है। तो इसी तरह हम यहाँ से q भी देके फाइंड कर सकते हैं, q इज इक्वल टू 2p, तो जस्ट p की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें, 2 इंटू p की जगह 30 पुट कर लें, सो आ जाएगा 2 इंटू 30, सो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 30 60 सेंटीमीटर्स, यानी इसकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो हमारे पास इसकी इसका ट्वाइस आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इक्वेशन था, प्रॉब्लम था कि किस तरह हम पावर फाइंड कर सकते हैं, वो उसका फोकल लेंथ इस तरह किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उन दोनों को रिलेट करके हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड किया और इस तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड किया।